फंदा। गॉड ये तुम्हारा स्लो था ऐसा। सो गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड दिस माइट बी अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर यू क्योंकि ब्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था बट अभी फैमिली के साथ वेकेशन पे आए हैं और जो लोकेशन है वो महाबलेश्वर का है और आप लोगों को कुछ नया दिखाने का मन किया तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग शुरू करते। तो आपको पहले से जर्नी नहीं दिखेगी लेकिन अभी जब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मॉर्निंग का जो सनराइज़ है वो शुरू हो गया है सो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से व्यू दिखेगा। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू दिख रहा है मॉर्निंग का और मॉर्निंग का जो सनराइज है वो मेरे पीछे हो सकता है। हम यहाँ पे एक कॉटेज है वहाँ पे आए हुए हैं जो एक विला है और जिसके अंदर 4 bedrooms विला है और यहाँ पे पूरा गार्डन आपको मिलता है। पूरा गार्डन के साथ आप एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। तो देखते हैं अभी फैमिली वाला व्लॉग रहने वाला है तो आपको बहुत मज़ा आएगा एंड उसी के साथ गुड मॉर्निंग एंड जर्नी शुरू करते हैं। सो अभी आप जो पूरा का पूरा जो नज़ारा देख रहे हो वो है 360 व्यू ऑफ द हाउस विच वी स्टेड। हम ये जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ पे रहे थे और ख़ास करके अगर अच्छी तरीके से बताओ तो ये पूरा का पूरा जो महाबलेश्वर है उसका एरिया है और हम आज जाने वाले हैं कुछ अच्छे नए एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत लंबी वाली जर्नी है और बस अभी देखते हैं कि क्या कित और कितना जल्दी हम यहाँ से निकलकर सेट हो सकते हैं। वैसे तो सब कुछ डन है, थोड़ा गीला है सरफेस। कार रेडी और कार हो चुकी है रेडी एंड वी आर ऑल सेट टू गो। महाबलेश्वर में हम आ गए हैं और ये लिंग माला वाटरफॉल है। पापा आपका कैसा एक्सपीरियंस है ये पूरा जंगल का? मेरे को ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आ रहा है और ये ऐसा मैंने कोई यहाँ अपने अहमदाबाद के आसपास में ऐसे देखा नहीं है। ऐसे सब पर्वते हैं और एकदम पूरा फॉरेस्ट है तो वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी आगे जाते देख रहे हैं कि वाटरफॉल कैसा है। बराबर है, वो देहरादून में मैंने देखा था, इसके बाद में अभी मैंने देखा नहीं है, अभी इस बार यहाँ देख रहा हूँ। कब देखा था देहरादून? देहरादून में वो मैंने देखा था वाटरफॉल। कितने साल पहले? वो करीबन 12-13 साल हो गया। 12-13 साल के बाद अब वाटरफॉल देखने वाले फाइनली। सो देखते हैं कि लिंग माला वाटरफॉल जो है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है और आगे जाके हम उसका पूरा नज़ारा जो है वो देखेंगे। वो कैप्टिव फॉल देखा हुआ था वह देहरादून के पास में, 12-13 साल हो गया। अभी उसका रिविजन करेंगे ये देख के हाँ तो कैसा लग रहा है।
आ गए हैं लिंग माला के टॉप के ऊपर, और जो 2813 फीट ऊपर है सी लेवल से। और यहाँ का जो पूरा नज़ारा है वो पूरा वैली का और वाटरफॉल का नज़ारा जो है वो पापा और मम्मी और पूरी फैमिली को दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए। अभी देखते हैं पापा का क्या एक्सपीरियंस है इस वाटरफॉल को देख के, और कैसा उनको कैसा वाटरफॉल लगा। पापा बताइए आप, कैसा वाटरफॉल लगा आपको? ये वाटरफॉल जो दिख रहा है एकदम बढ़िया है, और बहुत बड़ी हाइट से नीचे आ रहा है, और उसका नज़ारा अभी ये विंटर के सीजन में भी इतना अच्छा है बराबर है, तो ये मानसून के सीजन में कैसा रहेगा वो आप उसके देखने के बाद में उसका कल्पना करो कि ये कैसा रहेगा। ये चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, और बीच के अंदर वाटरफॉल है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो लीजिए, जो लिंग माला है वो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो वाटरफॉल है वो डायरेक्टली पत्थर पे गिरता है, जो पूरा लिंग शेप का है, जो शिवजी भगवान के लिंग शेप का है, उसकी वजह से उसको लिंग माला वाटरफॉल बोलते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक के, बहुत सारे वाटरफॉल जो है वो एक साथ गिरते हैं। एक्चुअली में अभी विंटर शुरू हो गया है तो अभी वाटर का जो फ्लो है वो बहुत कम है, लेकिन पापा आप बताओ ये सह्याद्री की जो पूरी वैली है वो आपको कैसी लगी और किस तरीके से दिख रहा है वो? ऐसा देखने जाते सह्याद्री की जो वैली है बरोबर है, एक एकदम ग्रीनरी 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 नज़र आ रही है। जहाँ भी तुम्हारी नज़र पहुँच पाए वहाँ तक उसकी पहाड़ी नज़ारी, और पहाड़ी नज़ारी के ऊपर एकदम लीली सी चादर बिछी हुई है, वैसी ग्रीनरी नज़र आ रही है। ऐसे देखने जाओ तो बरसों से ये इतिहास के अंदर भी पन्नों में पढ़ाई आ जा रहा है कि सह्याद्री की पर्वतमाला जो है वो सबसे बेस्ट में बेस्ट है पर्वतमाला, क्योंकि यहाँ पे एक पर्वत नहीं है लेकिन अनेक पर्वतों से बनी हुई है, इसको सह्याद्री की पर्वतमाला बोल रहे हैं। और ठंडी ठंडी लहरें आ रही है, बहुत आह्लादक वातावरण है। तो यही था हमारा एक्सपीरियंस लिंग माला पे। पापा सबको बोल दो कि लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, और यहाँ आने का मौका मिले तो यहाँ भी आए, और आप भी आपके साथ फैमिली के साथ में फ़ोटो भी बनावे। लेकिन एक बात मत भूलना कि हमारे को लाइक या हमारा वीडियो जो है वो शेयर करना ना भूले। डन। लॉडविक पॉइंट पे, और बस अभी ऊपर ऊपर तक जाने का है, टाइम लैप्स लेने का है इसको।